Hello my dear students, welcome to Science Adhyayan. I am Sujata, your mentor on Science Adhyayan. In this channel you can get all videos related to class 9th and class 10th science, and you can also prepare for National Science Olympiad here. So today we are going to start a new chapter for class 10th science, and this is chapter number 1, that is Chemical Reactions and Equations, and today's topic is Chemical Equations and Balancing. So before starting this video, if you are new in our channel, please subscribe our channel and press the bell icon so that you will get all notifications for further videos. Now start the video. So in this video we are going to start with a very important topic, and this is chemical equations. So what are chemical equations? Chemical reactions are represented in the written form as chemical equations. तो जो भी chemical reaction होती है उनको written form में किसके द्वारा represent किया जाता है? तो उन्हें represent किया जाता है chemical equation के द्वारा, and it gives the identities and quantities to the substance involved in the reaction. और किसी भी reaction में जितने भी सब्सटेंस जो इन्वॉल्व होते हैं उनकी आइडेंटिटी और उनकी क्वांटिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है केमिकल इक्वेशन. For example, when magnesium ribbon is burnt in air, magnesium oxide is formed. तो जब मैग्नीशियम रिबन को जो है एयर में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. तो इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और एरो के राइट हैंड साइड में हमने लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड के जो भी होते हैं उनको क्या बोला जाता है? जो भी रिएक्ट करते हैं इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड में जो भी प्रोडक्ट निकल करके आता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट्स. तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन की जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे रिटर्न फॉर्म में ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. वर्ड फॉर्म में यही जो है वो केमिकल इक्वेशन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. नाउ हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन को किस तरह से राइट किया जाता है? तो अभी हमने जो भी इक्वेशन देखी वो वर्ड फॉर्म में थी, तो इसे अब हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? तो इसके लिए हमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? तभी हम इस केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया गया है. तो Mg यहाँ पर मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, O2 जो है वो ऑक्सीजन है. इसके बाद जो प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसे MgO के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है. तो इस तरह से जो है ये केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है. नाउ द टॉपिक इज़ हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाए. तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो ये है कि टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो. तो ये क्या बात है कि जो भी इधर की साइड जितने भी ये रिएक्टेंट्स हैं तो उनमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स जो इन्वॉल्व होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी जो है एटम जो है वो सेम होने चाहिए. तो तभी जाके ये जो इक्वेशन होती है वो बैलेंस हो पाती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को लिया गया है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो क्या बन रहा है? हमारा ग्लूकोज बन रहा है, और ऑक्सीजन और वाटर भी इसके साथ में बन रही है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर ये एटम जो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि यहाँ पर कार्बन के 6 हैं, और तो इधर भी हमारे क्या हो आते हैं? कार्बन के हमारे 6 ही हैं. तो इसको आप देखिएगा ध्यान से, तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जितने भी एटम जो है इन्वॉल्व हुए हैं वो क्या है? वो सेम ही है. तो ये क्या हो जाएगी? ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा. तो यहाँ पर कुछ अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी गई हैं जिनको कि बैलेंस करके भी दिखाया गया है. तो सबसे पहला जो है हमारे रिएक्शन क्या है? CH4 प्लस O2. तो यहाँ पर क्या बन रहा है? CO2 प्लस H2O. तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि कार्बन के कितने एटम हैं? 1 एटम है. वहीं पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें भी 1 ही एटम है. इसके बाद जो है हाइड्रोजन के 4 एटम है. वहीं पर जो है राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 एटम है. तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा? हाइड्रोजन के 4 एटम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो यहाँ पर ये 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया किया है तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के 2 है और ये ऑक्सीजन के इधर भी 2 है, तो टोटल जो है ये 4 है। इसके बदले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है, तो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जितने भी एटम्स होते हैं उनको इक्वल कर लिया जाता है। इसके बाद भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन्हें आप जो है इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद भी मैं कुछ और एग्जाम्पल्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको जो है PDF जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।